दीर्घ प्रतीक्षार अंत संकल्प पूरण कले बीजेपी सरकार श्रीजगन्नाथ श्रीमंदिर उद्दिष्ट कैबिनेट बैठक प्रथम दुई प्रस्ताव श्रीमंदिर कर्पस पांठि 500 कोटी टंका रखिबे राज्य सरकार श्रीमंदिर रक्षणाबेक्षण विकास तीर्थयात्री समस्यार हेबो समाधान 4.5 कोटी राज्यवासींकु देइथिबा प्रतिश्रुति रखिले बीजेपी सरकार पूरण हेला राज्यवासींक बड़ दाबी श्रीमंदिर सिंहद्वार परी पश्चिम व्याघ्र द्वार उत्तर में हस्तीद्वार और दक्षिण में अश्वद्वार प्रवेश सुजोग पाइले भक्त प्रथम थर पर राज्य में बीजेपी सरकार क्षमता को आसु आसु प्रतिश्रुति पूरण करिबारे सफल होती राज्य सरकार सर्वप्रथम निष्पत्ति भाव राज्य कैबिनेट बैठक में श्रीमंदिर उद्दिष्ट दुई प्रस्ताव उपरे मोहर मारी ओडियांको मन जिणी मोहन सरकार मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण परदिन ठारु श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा परे एहाकु नै भक्त और श्रद्धालु मनरे खुशी और उत्साह भरी महाप्रभु आशीर्वाद चारिद्वार खोली भक्तों श्रृंखलित दर्शन पर आवश्यक पदक्षेप ने घोषणा सह महाप्रभु कार्य कौन बाधा सृष्टि होबना बोली प्रतिक्रिया रे कहिसंती मुख्यमंत्री नूतन सरकार आसला प्रथम कैबिनेट रे निष्पत्ति नियागला एक कर्पस फंड बा पांठि गठन करिया पई एवं सेतिरे 500 कोटी टंका ये बजेट रे रखा जिवो एवं हठात कौन परिस्थिति आसिले तार मुकाबला करिया पई एवं संरक्षण करिया पई करा जिवो सेति पई कर्पस फंड गठन करा गला 500 कोटी टंका सेतिरे व्यवस्था करा जिवो या खूब शीघ्र लागू करा जिवो कैबिनेट बैठक में गुरुत्वपूर्ण द्वितीय निष्पत्ति श्रीमंदिर उद्दिष्ट थिला बैठक में श्रीमंदिर संरक्षण रक्षणाबेक्षण विकास तीर्थयात्री समस्यार समाधान उपरे आलोचना होता श्रीमंदिर कर्पस पांठि 500 कोटी टंका रखा निष्पत्ति शपथ ग्रहण पर प्रथम कैबिनेट बैठक में ही श्रीजगन्नाथ श्रीमंदिर उद्दिष्ट दुई प्रस्ताव में मोहर मारी मोहन सरकार महाप्रभु जो चारोटी द्वार अच्छी जहाँकि गोटे द्वार छड़ा अन्य द्वार गुड़िक बंद थिला एवं भक्तों भितर श्रद्धालु भितर जो असमानता तैयारी होता एवं मनरे आक्रोश थिला ताकू सरकार गत काली कैबिनेट रे प्रथम प्रस्ताव रे प्रथम निष्पत्ति नेले जे कैबिनेट रो निष्पत्ति क्रमे जो मंगल आरती हेबो एहा ठारु आमर संपूर्ण भाव में चारिद्वार को भक्तों पर खोली दिया जिवो एवं ताहा आज यथा समय रे चारिद्वार खुला जाइछि नुआ सरकार रो प्रथम कैबिनेट रे निया जाइथिबा चारोटी बड़ निष्पत्ति को स्वागत करिछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान श्रीमंदिर परिचालन पई 500 कोटी टंका कर्पस फंड व्यवस्था सह चासी को विकास पई समृद्ध कृषक नीति रे धान एमएसपी 3100 टंका को वृद्धि एवं राज्य रे सुभद्रा योजना लागू करी महिला मानकु 50,000 टंका सहायता देबाकु निष्पत्ति नेइछंती सरकार यह अत्यंत स्वागत योग्य पदक्षेप यहाद्वारा ओडिशार महिला सशक्तिकरण कृषक कल्याण और ओडियां भावाबेग को सम्मान केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आम कहीलु महाप्रभु भावना सहित ओडिया लोक भावना सहित कई खेल न खेलु चारिटी जाक द्वार अविलम्बे खोल भारतीय जनता पार्टी सरकार हाँपर का धन्यवाद दौची नवनिर्वाचित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी महाशय को पूरा कैबिनेट टीम को से प्रथम निर्णय कले केवल निर्णय कले आज जहां मुझे आपम देखिली मंगला आरती पूर्व चारिद्वार को पूजा अर्चना करी वैदिक रीति आज खोली दिगला चारोटी जाक जो निष्पत्ति कला चारिद्वार को खोल ता छाड़ी गोटे 500 कोटी टंकार कर्पस फंड या धान क्विंटाल को 3100 टंका किणवे व्यवस्था करने आउ महिला मानक 50,000 टंकार भाउचर स्कीम आणवा सुभद्रा योजना स्कीम बनवा गोटे बहुत ही स्वागत योग्य पदक्षेप मुख्यमंत्री निजे पहुंचे लोक ओडिया लोक मन भाव को भल रखापी पहुंची दारिद्र लोक खोल जय जगन्नाथ बहुत खुशी लगे दिन आदरणीय मोदी जी आसी
ପୁରୀରେ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ମୋଦିଜି ଯାହା କୁହନ୍ତି କରିକି ଦେଖାନ୍ତି କହିଥିଲେ ଆମେ ଯେବେ ଭାଜପା ସରକାର କରିବୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଝରର ଆସିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଲୁ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧିଥିଲା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଓ ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନେଇଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଏ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।